हेलो एवरीवन वन दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर फाइव थ्योरी ऑफ डिमांड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन दैट स्टार्टेड व्हाई मोर ऑफ द गुड्स इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड क्या होता है क्यों हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं जब प्राइस कम होते हैं द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव एक्सप्लेन दिस इन द क्वेश्चन कि इनकम इफेक्ट भी आपका इसके अंदर आता है फिर आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट मोर इज परचेज इन रेस्पॉन्स टू फॉल इन द प्राइस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ कॉम्योडिटी एंड इट्स क्वान्टिटी डिमांड तो पहला पॉइंट आप बता सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वान्टिटी डिमांड में तो फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें यह आता है इनकम इफेक्ट क्या आता है आपका इनकम इफेक्ट तो इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज वोइंग टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अब इस बात को आप समझिए ज़रा अगर हम बात समझें तो मेरी इनकम दस हज़ार रुपये है और जो खर्चा मेरा पहले होता था वो सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का होता था ठीक है दैट मैं जो बचा रहा था वो कितने बचा रहा चार हज़ार रुपये और अब क्या होता है अब जो खर्चा है वो मेरा पाँच हज़ार का होने लग गया मीन्स कि दस हज़ार में से पहले जो खर्चा छः का होता था प्राइस कम होने की वजह से वो पाँच हज़ार का हो गया तो पहले मैं आप कितने बचा रहा था चार हज़ार रुपये अब कितने बचाऊंगा मैं पाँच हज़ार रुपये इट मींस मेरी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी तो इनकम इफेक्ट में क्या है इट रेफ टू द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड वेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज ओइंग टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कम्योनिटी विदाउ फॉल इन द प्राइस रियल इनकम इंक्रीज़ एंड डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज़ नेक्स्ट इज सब्सिट्यूट इफेक्ट अगर मैं कहता हूँ एक चीज़ के प्राइस कम हो गए तो दूसरे से कंपैरिजन में करके हम उसे खरीदना शुरू कर देते हैं सब्सटिट्यूशन ऑफ वन कॉमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट्स बिकम रिलेटिवली चीपर और नेक्स्ट पॉइंट इज़ साइज ऑफ़ द कंज्यूमर ग्रुप अगर मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ तो एयर कंडीशन का देना चाहता हूँ मीन्स ए का पहले जो ए सी आते थे फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड की रेंज में आते थे मगर अब जब प्राइस उनके कम हुए ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव की रेंज में आने शुरू हो गए तो उन्हें यूज़ करने वाले जो कंज्यूमर्स थे उनकी उनके जो साइज़ था वो भी बढ़ गया तो साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप वैन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी फॉल्स मैनी मोर बायर कैन अफोर्ड टू बाईट इट अकॉर्डिंगली डिमांड ऑफ द कम्युनिटी एक्सटेंड डिफरेंट यूजेस ए गुड मे हैव सेवरल यूजेस अगर हम बात करें मिल्क के प्राइस कम होते हैं तो मिल्क के के यूज को हम और जगह भी यूज कर सकते हैं इसलिए उसके प्राइस उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग कर्ड चीज़ एंड बटर इफ़ द प्राइस ऑफ द मिल्क रिड्यूजेज इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द मिल्क एक्सचेंड इसलिए जो डिमांड है वो मिल्क की क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी डिमांड कर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी हमने समझा था इससे पहले कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड क्या होता है तो मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूंगा जब प्राइस की वजह से आप डिमांड को चेंज करें डैट इज क्वांटिटी डिमांड और जब प्राइस की वजह से नहीं किसी और फैक्टर की वजह से आप खरीद रहे हैं उसे दैट इज डिमांड तो समझते हैं डिमांड का मतलब होता है मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर जो ड्यू टू प्राइस होता है देखिए क्वांटिटी का मतलब ही समझ में आ गया आपको ड्यू टू प्राइस इसमें दो वर्ड आते हैं आपके एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड क्वान्टशन ऑफ डिमांड डिमांड अब जो डिमांड वर्ड है उसके लिए आता है शिफ्ट अलॉन्ग द डिमांड कर हम शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो किसकी वजह से अदर देन प्राइस मैं आपको बता दूं क्वांटिटी डिमांड में आपका पी एक्स फैक्टर काम करता है और डिमांड में आपका पी आर वाई टी ई पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर टी मीन्स टेस्ट एंड प्रीफ्रेंस ठीक है तो इसमें देख लीजिए इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे इसमें मगर दो पॉइंट हैं डिमांड में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर और शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर में हमने दो पॉइंट समझे थे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड दोनों का पॉइंट आपके सामने है कि वे किसकी वजह से होते हैं आपके प्राइस की वजह से होंगे तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा है कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर रेफर्स टू द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रक्शन ऑफ डिमांड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर इज ड्यू टू प्राइस किसकी वजह से होते हैं प्राइस अब आप खुद सोचिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड डिमांड जो आपकी डिमांड है वो बढ़ रही है किसकी वजह से बढ़ेगी जब आपके प्राइस कम होंगे द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज अ सिचुएशन वेन क्वान्टड डिमांड इंक्रीज इन इन रेस्पॉन्स टू फॉल ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी तो आप देख सकते हैं डायग्राम को भी इसे मूवमेंट करता मतलब है ठीक है ये शेड्यूल में थोड़ी गलती है इसमें आप देख लेना की डिमांड आपकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जाए? फाइव और वन आएगा इसके अंदर यहां आपका यह फाइव और यहां वन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड मीनस डिमांड आपकी कम होगी डिमांड प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से ठीक है ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं नेक्स्ट आपका आता है इसमें कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हमने अभी बताया आपको जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ प्राइस की वजह से होता है और शिफ्ट जो होगा वो अदर देन प्राइस की वजह से होगा तो इसमें दो फैक्टर आते हैं आपके इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन डिमांड को हम फॉरवर्ड शिफ्ट कहते हैं इसके अंदर प्राइस आपका कैसे रहता है कॉन्सटेंट रहता है देख लीजिए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज़ ड्यू टू द अदर

अब देखिए इसमें प्राइस आपके कांस्टेंट है और डिमांड आपकी बढ़ रही है तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं आपकी इनकम बढ़ सकती है और सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में तो भी समझेंगे कि सब्सट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए मीन्स टी बहुत महंगी हो गई तो हमने कॉफी को खरीदना शुरू कर दिया या फिर अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आए तो पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया हमने कार को खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया मीन्स इंक्रीज इन डिमांड के ये आपके सारे फैक्टर्स होते हैं तो कॉजेज में देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वैन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज वैन प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स इंक्रीज वैन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स वैन टेस्ट एंड प्रीफ्रेंस ऑफ द कॉमोडिटी शिफ्ट इन द फॉरवर्ड

प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइज टेस्ट एंड प्रीफ्रेंस कैसा होगा आपका बैकवर्ड होगा ठीक है और अवेलेबिलिटी हो, जो होगी वो हमें ऐसा लगेगा कि आगे इन फ्यूचर वो चीज़ ऐसा नहीं होगा हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे आज ही कम कर देंगे वो होता है आपका डिक्रीज देख लीजिए इसमें डिक्रीज इन डिमांड में कि प्राइस आपके कांस्टेंट रहे और जो डिमांड है वो क्या हो गई आपकी कम हो गई और कॉज बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट और कुछ नहीं ठीक है